अंतर्राज्यीय बस स्टैंड चौक पर गुरुवार को स्वर्गीय महाराज MS सिंहदेव की प्रतिमा के साथ राजमाता स्वर्गीय श्रीमती देवेंद्र कुमार सिंहदेव का प्रतिमा का अनावरण उनके पोते जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने किया। नगर पालिक निगम ने राजमाता की प्रतिमा की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, जिस पर उप मुख्यमंत्री DS सिंहदेव ने इच्छा व्यक्त की थी कि स्वर्गीय MS सिंहदेव की प्रतिमा के साथ राजमाता की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे राजमाता के जन्मोत्सव के अवसर पर मूर्त रूप दिया गया। बहुत ही बड़ा दिन है आज हम तीनों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए। आज बुआ का जन्मदिन है। तब मैं शादी करके सरगुजा में आई थी, तो मैं तो दादी को दादी बोलती थी, पर मुझे पता चला कि यहाँ पे बुआ बोला जाता है। तो ये बहुत पुरानी प्रथा है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, कुछ डिफरेंट है, और बहुत टाइम से यहाँ बुआ ही बोला जा रहा है सरगुजा में। बहुत ही, जैसे इन दोनों ने बोला, इमोशनल दिन है आज हम लोगों के लिए, और बहुत ही प्राइड वाला दिन है आज। बुआ और महाराज दादा की मूर्तियों को यहाँ पे देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कुछ सीखने को मिला मुझे, मैं कभी महाराज दादा से नहीं मिली, पर बुआ के साथ मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तब उनकी तबीयत ख़राब थी, एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो कुछ उनसे सीखा, आई होप मैं उनका 1% भी बन पाऊँ और यहाँ पर कुछ कर पाऊँ। एंड उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ जिनके कारण ये पॉसिबल हो पाया। सिर्फ दिल से कहूँगी, क्योंकि बुआ का जन्मदिन है और हम लोगों के लिए बहुत ही भावुक दिन है। जितने साल हम बुआ महाराज दादा के साथ बड़े हुए, जितना समय भी उनके साथ मिला, सिर्फ यही जाना है कि सरगुजा उनके दिल में बसता है। और आज दोनों को यहाँ खड़े होकर सरगुजा को देखते हुए इतना ज़रूर पता है कि ऊपर से मुझे लगता भी है बारिश होगी और वही दोनों के आंसू आज बरसेंगे सरगुजा के ऊपर, क्योंकि सरगुजा को जब वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे होंगे वो बहुत खुश होंगे। और सरगुजा ने आज उन्हें जहाँ खड़ा किया है, सिर्फ खुशी होंगे और हम भी उसके लिए बहुत खुश हैं। नगर पालिका निगम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा, उप मुख्यमंत्री DS सिंहदेव बड़े दाव बोलते हैं कि स्वर्गीय महाराज एवं स्वर्गीय राजमाता विवाह के उपरांत सदैव एक टीम के रूप में रहे। इसी रूप में गृहस्थ, राजनीति, रियासत के दायित्व को पूरा किया। इस कारण उन्हें जब भी यह जानकारी मिली कि राजमाता का प्रतिमा स्थापित की जानी है, तो उन्होंने सुझाव दिया प्रतिमा स्वर्गीय महाराज के वाम हस्त में स्थापित हो। नगर निगम अंबिकापुर के महापौर सभापति जी एवं पूरे टीम का हम लोग अपने दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज राजमाता श्री देवेंद्र कुमारी जी बुआ के पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया, और उनको और महाराज दादा को, दोनों को साथ इस चौक पे एक साथ जगा दी। दोनों ने अपना पूरा जीवन साथ सरगुजा के लिए, सरगुजा के विकास, लोगों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, और आज वो साथ यहाँ पर सरगुजा को ऊपर से देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस भावना को नगर निगम की तरफ से सम्मान दिया गया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हम लोग सबके लिए एक बहुत भावुक और खुशी का पल। अनावरण कार्यक्रम के दौरान राज परिवार के इतिहासकार गोविंद शर्मा ने राजमाता का जीवन परिचय देते हुए बताया किस प्रकार विवाह उपरांत स्वर्गीय महाराज IAS की पढ़ाई से लेकर प्रशासनिक व्यस्तताओं के दौर से सरगुजा में राज परिवार के दायित्व एवं राजनीति का प्रत्यक्षतः संभाला, वह काबिले तारीफ है। सरगुजा रियासत अपने आप में पूरे भारत में यूनिक था, जिसका ब्रिटिश गवर्नमेंट भी प्रशंसा करती थी। यहाँ महाराजा मदनेश्वर शरण सिंहदेव हुए, उनसे सन 1948 में राजमाता देवेंद्र कुमारी का विवाह हुआ। वो जब सरगुजा आई तो उन्होंने अपना सारा जीवन सरगुजा वासियों के लिए समर्पित कर दिया। हालांकि रियासतें मर्ज हो चुकी थी, 562 रियासतें भारत संघ में विलीन हो गई थी, फिर भी सरगुजा का इतना रुतबा था कि कोई भी सर्कुलर जो होता था महाराज रामानुसरण सिंह के अप्रूवल के बिना यहाँ लागू ही नहीं होता था। तो राजमाता, जब महाराज साहब IAS अफसर हुए, राजमाता उनके साथ इलाहाबाद में भी रही, उसके बाद महाराज छतरपुर पोस्टिंग हुई, अमरावती पोस्टिंग हुई, जबलपुर पोस्टिंग हुई, फिर रतलाम के कलेक्टर हुए, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन के भोपाल आए। तो महाराज के पास अकूत ताकत थी सेक्रेटरी के रूप में, और राजमाता मंत्री थी तो उनके पास भी अकूत ताकत थी। दोनों ही के सामूहिक प्रवास से आज से 40 साल का पहले का सरगुजा जो पिछड़ापन था बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आज जो दिख रहा है सब उनके बिना संभव ही नहीं था, इसीलिए सरगुजा में वो देवतुल्य लोकप्रिय हैं। राजमाता
मंत्री भी रहीं, अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में, प्रकाश चंद सेठी मंत्रिमंडल में, और उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए, गरीबी से उन्मूलन के लिए बहुत प्रयास किया। आज उन्हीं के पुत्र महाराजा त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं आपका स्वास्थ्य शिक्षा GST के मंत्री हैं, विश्व सूत्री क्रियान्वयन उनके हाथों में है। तो ये सरगुजा का गरिमापूर्ण इतिहास है। आज राजमाता का प्रतिमा महाराज के बगल में लगने पे एक इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय पूर्ण हो गया है। स्वर्गीय महाराज MSC देव के साथ राजमाता स्वर्गीय देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की युगल प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम का संचालन महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने किया। आज राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी के जन्म दिवस के अवसर पे, जयंती के अवसर पे, आज हम लोगों ने राजमाता जी के मूर्ति का अनावरण किया है। और पारिवारिक सदस्य और हमारे जिला उपाध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदि बाबा के द्वारा, त्रिशाला बेबी और मेश्व बेबी के द्वारा किया गया, और नगर निगम से सभी कोई उपस्थित रहे, और हमारे सभी पार्षद MSC और सम्मानित कांग्रेसजन भी, और अधिकारी कर्मचारी और सम्मानित नागरिकजन भी उपस्थित रहे। और परम पूजनीय महाराज साहब की हमेशा इच्छा थी कि माँ पापा माने बड़े महाराज साहब और राजमाता जी एक साथ एक जगह पे रहें, और उनकी शुरू से इच्छा थी, और आज नगर निगम के माध्यम से हम लोग कर पाए, इस बात की खुशी है।